नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम एस सी रेड्डी. टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स एडवांस्ड रिफ्यूजन इज सोडियम. सो इन दिस सेशन वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द सोडियम, इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स फंक्शन एंड इट्स डेफिशिएंसी. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, सॉल्ट इज एक्चुअली अ मिनरल कंपाउंड दैट इज योर सोडियम क्लोराइड. ठीक है, एज यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द टर्म सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या होता है? आपका एक सॉल्ट होता है जिसमें आपका सोडियम और क्लोराइड दो आपके मिनरल जुड़ के एक आपका सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है, इसमें आपका सोडियम क्या होता है? कैटायन होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. और क्लोराइड क्या होता है? आपका एनायन होता है, जो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है. जितना भी फूड हम लेते हैं वो सब सोडियम क्लोराइड उसमें होता है. ठीक है, अदर अदर फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. सोडियम इज नेचुरली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द फूड, इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट. टेबल सॉल्ट 40% तक उसमें सोडियम होता है, जिसमें आपका क्लोराइड 60% होता है और 40% तक आपका सोडियम होता है. ठीक है, टेबल सॉल्ट की अगर हम बात करें जो आप अपने खाने में स्प्रिंकल करते हैं. मोस्ट ऑफ द सोडियम इन प्रोसेस फूड इज एडेड टू प्रिजर्व एंड फ्लेवर देम. जैसे आपको पता है कि आपका सॉल्ट क्या, इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव. ठीक है, मतलब कि आपके फूड की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है. तो बहुत सारे प्रोसेस फूड होते हैं आपके, जैसे आपके जैम जेलीज होती हैं, ठीक है, आपके पिकल्स होते हैं, आपके प्रोसेस मीट होता है, तो उन सब में आपको उसको उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको फ्लेवर देने के लिए भी सोडियम को हम ऐड करते हैं. सोडियम इज अ मेजर सोर्स ऑफ सोडियम. सॉल्ट इज एडेड टू मोस्ट ऑफ द कैन एंड फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्मोक कर मीट एंड पिकल्स. ठीक है, सोडियम इज यूज इन अ वराइटी ऑफ वेज. मोस्ट कॉमन यूज इज फॉर सीजनिंग. ठीक है, सीजनिंग मतलब कि जब हम किसी को ऊपर से मतलब कोई भी चीज स्प्रिंकल करते हैं, जैसे आपके स्पाइसेस होती है, कॉन्डिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो वैसे ही आपका सॉल्ट भी हम यूज करते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर फ्लेवर. Manufacturers of prepared and frozen and canned foods often use sodium to enhance the flavor and their product. Salt is also used as a preservative. तो वही बात है कि आपको preservative की तरह भी इसको use करते हैं अगर हम canned foods या processed food की बात कर रहे हैं तो उसमें, और उनको flavor देने के लिए भी हम sodium को add करते हैं. Now the function. Sodium is one of the body's three major electrolytes. जैसे आपका potassium chloride होता है, वैसे ही आपका सोडियम भी होता है. और ये आपके तीन मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपकी बॉडी के. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपके फ्लूइड्स जो होते हैं, जो आपके बॉडी टिश्यूज में इन एंड आउट जो फ्लूइड चलते रहते हैं उनको कंट्रोल करते हैं. और जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो उस टाइम पर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटर सेलुलर फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि आपको वीकनेस या फिर एकदम से आपका ब्लड प्रेशर डाउन ना हो. ठीक है, तो दिस इज योर मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एंड सोडियम का भी यही वर्क है आपका. सोडियम ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग बॉडी फंक्शन. क्या है? फर्स्ट आपका इसमें है, इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. सेकेंड, इट हेल्प ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सिस एंड नर्व फंक्शन एंड मसल कंट्रैक्शन. ठीक है, ये हमने बात करी थी कि जैसे आपके नर्व, जो आपके नर्व टिश्यूज होते हैं उसमें भी आपके जो मिनरल्स आयंस होते हैं वो आपकी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिससे कि मैसेज जनरेट होता है. ठीक है, लाइक वाइज आपके मसल कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, तो वहां पर भी आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड अपना रोल प्ले करते हैं. इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड. ठीक है, मतलब आपके जो ब्लड का एसिड बेस बैलेंस है, बॉडी फ्लूइड्स का जो बैलेंस है, उनको भी रेगुलेट करता है सोडियम. सोडियम मेंटेन द वाटर बैलेंस विद इन द सेल. एनी एक्स्ट्रा सोडियम एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. कंज्यूमिंग एक्सेस ऑफ सोडियम में लीड्स टू एडीमिया एंड वाटर रिटेंशन. ठीक है, मतलब सोडियम आप एक माइन्यूट अमाउंट पे ले सकते हैं जो आपका रिकमेंडेड डाइट के अलाउंसेस है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपका वो एडिमा या वाटर रिटेंशन उससे हो सकता है. तो एक्सेस ऑफ सोडियम इज आल्सो हार्मफुल. नाउ एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन. आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, और एक्सक्रीशन के आपके मेनली थ्री प्राइमरी रूट्स होते हैं, जैसे आपका जीआई ट्रैक हो गया, स्किन हो गया, किडनी हो गया. स्किन से कैसे होता है? बाय स्वेटिंग होता है. जैसे आपकी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उसमें भी क्या होता है, आपके सॉल्ट्स आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से. ठीक है, तो थ्रू स्किन तो आपका स्वेटिंग से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, थ्रू किडनी आपका यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है. ठीक है, सो एंड नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम. डेफिशिएंसी आपकी क्या होती है? फर्स्ट इसमें एडिमा देखा जाता है, मतलब कि आपकी लेग्स के अराउंड स्वेलिंग, हैंड और फेस आपके स्वेल फील होते हैं. सेकेंड इज योर हार्ट फेलियर. एक्सेस फ्लूइड इन अ ब्लड स्ट्रीम कैन ओवरवर्क योर हार्ट, मेकिंग द एनलार्ज एंड वीक. ठीक है, तो मतलब कि अगर एक्सेस फ्लूइड है आपकी ब्लड स्ट्रीम में तो वहाँ आपका हार्ट क्या होगा? वीक होगा. और अगर सोडियम नहीं है तो आपका जो हार्ट मसल है, कार्डिक मसल है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने में दिक्कत होगी, तो आपका हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ.
फ्लूइड कैन बिल्ड अप इन द लंग्स एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ. ठीक है, अगर जैसे हमने कहा था कि सोडियम क्या कर रहा है आपकी बॉडी में, फ्लूइड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड में बैलेंस बना के चल रहा है. तो अगर सोडियम नहीं होगा बॉडी में तो फ्लूइड क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे. ठीक है, जितना भी आपकी बॉडी में वाटर है बढ़ता जाएगा. तो जैसी वो कंट्रोल होने के लिए उसमें आयंस चाहिए, पर अगर आयंस नहीं है, डेफिशिएंट है, तो आपके जो वाटर कंटेंट है बॉडी का वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपको लंग्स में भी वो आपके मतलब फिल हो जाएगा, जिससे कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी देखी गई जाएगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल विद योर सोडियम. इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क इन अ कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.